कि उनकी एक झलक पाने के लिए गोपिकाएं, गुजरिया, आसपास की औरतें, आसपास की महिलाएं माँ यशोदा के घर बार बार छाछ का बहाना, कभी दही का बहाना, कभी दूध का बहाना करके, कैसे भी करके कन्हैया को देखना। लेकिन माँ यशोदा हर समय अपने घर के दरवाजे बंद रखती कि कोई बुरी नजर मेरे कन्हैया पे नहीं डाल दे, डरती थी, भय लगता था। माँ यशोदा कन्हैया को बाहर तक भी लाने के तैयार, लेकिन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे, समाधि खुली तो भोलेनाथ को मन में आया कि विष्णु भगवान से मिलो। सुनिएगा, समाधि खुलते ही विष्णु से मिलने का मन हुआ तो पता लगा कि विष्णु जी है कहां। तो आजकल व्हाट्सएप वगैरह है, लोकेशन आप टेस्ट कर सकते हो, उस समय व्हाट्सएप था ही नहीं भाई साहब, अब लोकेशन क्या पता लगाने। लेकिन भोलेनाथ के पास में इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकेशन थी, उनका तीसरा दिव्य नेत्र। भोलेनाथ ने दृष्टि पसारी कि भगवान है। तो अब बताओ भगवान की लोकेशन कहां आई, आप सुन रहे हो तो बताओ कहां आई, कहां पर, कहां पर? गोकुल में मां यशोदा के आंगन में भगवान खेल रहे, कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भोलेनाथ अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे। लेकिन मन में आया, यार ऐसे नहीं, इतनी दूरी से क्या दूर से दर्शन करते हैं, उस बाल रूप को देखना तो करीब जाओ। तो रवाना हुए, मां पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ कहां चल दिए, बोले कि मैं कन्हैया देख के आता हूं। बोले भगवान इस रूप में जाओगे लोग पहचान लेंगे, चारों तरफ घेर के खड़े हो जाएंगे, चारों तरफ आजकल उन चारों तरफ घेर के खड़े हो जाएंगे, भगवान किस किस के दुख मिटाओगे, क्योंकि बोले भोलेनाथ स्वयं आया तो लोग तो बोलेंगे भगवान मारे और दुखे लुगाई गणी लड़े, मारे टावरिया कर्णों नहीं माने, भाई भोलेनाथ कर्जो हो गए है, धंधो चल नहीं रहे है, हे भोलेनाथ बहुत सारे दुख है, सुख थोड़ा दुख बहुत जगत में, सुख सुख तो थोड़ा दुख बहुत जगत में, भोग्या कष्ट भरे रानी, किन किन का दुख दूर करूं मैं दुनिया दुखी फिरे रानी। पार्वती जी बोली भोलेनाथ ऐसे चले जाओगे तो लोग मोबाइल लेके खड़े हो जाएंगे, वन सेल्फी प्लीज भोलेनाथ, किस किस को दो दोगे, किस को दोगे फिर? तो बोले पार्वती क्या करूं, बोले रूप बदल के जाओ। तो बोले कैसा रूप बनाओ, तो बोले जोगी बन के चले जाओ, ना पहचाने कोई, दुनिया में जो मांगने वाले लोग है वैसा बन के जाओ। अब देखिए जोगी का रूप धारण कर भोलेनाथ माँ यशोदा के आंगन आए, सूरदास जी महाराज की कल्पना है, आप लोग सुनिएगा और सुनते भी रहेगा लेकिन ये सब भी करते रहेगा, चलेगा? माँ यशोदा के आंगन में आके भोलेनाथ ने अलग जगाई, कहा उठा गई सभी लोग। हम सब करते हैं
सुन ली तो मां यशोदा फटाफट से थाली में जो देने का दान था वो थाली में डालकर लेकर आए। क्या हुआ? ले भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल भरायो, ले भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो। जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब लंबिता भुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनाद वट मरवेम चकार चंड तांडवं तनोत में त्रिवशिवम। गटा गटा हसम नमम रमन निलिम पुण्य झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी दगत 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 ज्वलल लाट पट पावक चोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण। मैंने कहा अच्छा लगे तो ताली बजाना। जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू।
शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। देखिए माँ यशोदा जैसे ही बाहर आई, ले भिक्षा निकली नंद रानी, कंचन थाल भरायो, सुनिएगा, और ले वो भिक्षा, ए बाबा ले लो, ले वो भिक्षा, जाओ जोगी आसन मेरो लाल डराए। बोले बाबा मारो कन्हैया जो है वो आपको देख के डर जाएगा, इसलिए जो भी लेना है ले ओ और जल्दी जाओ। भोलेनाथ ने कहा माई ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ये कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ये कंचन माया, अपने लाल के दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। नाच ही तेरी दौलत दुनिया और ये कंचन माया, अपने लाल के दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। अजब है तेरी माया नगर में, अजब का इसलिए आप जाओ। माँ यशोदा बोली चलट जोगी कन्हैया के दर्शन नहीं है, तेरे को और चाहिए तो बोल दे, लेकिन कान्हा का नाम लेना मत। बहुत देर तक माँ आई नहीं तो कन्हैया रोने लग गए, और कन्हैया जब रोए तो माँ के कानों में आवाज सुनाई दी, माँ जोगी को छोड़कर भागी गई अंदर। कन्हैया ने उठाया पर कन्हैया तो और जोरदार रोने लग गए, सारे जतन किए फिर कन्हैया और रोने लग गए। बेजी को बुलाया तो बेजी बोले कि तो कुछ नहीं है, तो कन्हैया रोते रोते शाम हो गई। मित्रों जोगी बाहर अंदर कन्हैया रो रहे, पता नहीं दोनों में क्या माया चल रही, माँ यशोदा को पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। अंत में माँ यशोदा हार मान गई कि हो न हो बाहर जो खड़ा है उसकी माया है। डरते 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 उस अगोरी के रूप में कन्हैया को जब लेके आई माँ तो उसका कलेजा कांप रहा है। लेकिन मित्रों जैसे ही माँ यशोदा कन्हैया को बाहर लेकर आई और जैसे ही कन्हैया की नजर जोगी के उस रूप पर पड़ी, कन्हैया
उस जोगी रूप में ऐसे खो गए, रोना बंद हो गए, जैसे पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई हो, ब्रह्मांड भर गया हो, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र रुक गए हो, 33 करोड़ देवी देवता शून्य में चले गए हो, और मौन। एक बार सभी लोग आंखें बंद कर ले सीधा बैठ के, मात्र 10 सेकंड के लिए, कोई हलचल नहीं। स्वयं के माथे को, मस्तिष्क को, अपने भाल को रिलैक्स कर दे एकदम, मात्र 10 सेकंड के लिए एकदम शांति कर ले। अपने श्वास को देखें, अपनी श्वास आ रही है जा रही है उसको देखें, न जबरदस्ती लें न जबरदस्ती छोड़ें, बस उस श्वास को एक बार 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए रिलैक्स कर दें। माथे पे जो तनाव है उस तनाव से मुक्त हो जाएं, रिलैक्स कर दें। अपनी दोनों आंखों के बीच में उस दृश्य को देखें जहां पर एक तरफ कन्हैया है जो बाल रूप में विष्णु भगवान है, बड़े सुंदर हैं, और दूसरी तरफ भोलेनाथ जोगी के रूप में हैं, और दोनों एक दूसरे के रूप में विविध रूप है दोनों के, दोनों ही एक रूप में कैसे खो गए हैं, जैसे पूरी दुनिया शून्य में चली गई हो। बस उस दृश्य को एक बार अपने दोनों आंखों के बीच में, अपने मस्तिष्क में देख लें। मैं आपसे वचन करता हूं, आंखें खोलेंगे तो आपको बड़ा दिव्यता लगेगी यहां पर, लेकिन मात्र 10 सेकंड के लिए बिल्कुल मौन। सूरदास जी महाराज आंखों से अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपने दृश्य को देखा जैसा अभी आपने देखा, तो दो पंक्तियां उस दृश्य को देखकर मैं गा रहा हूं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है आज से अपना प्यार नहीं है, आज से अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तो पंच बार परिक्रमा करके सिंगी नाग बजायो, सूरदास बलिहारी यशोदा जुग जुग जियते रो जायो, पंच बार परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो, सूरदास बलिहारी यशोदा जुग जुग जियते रो जायो। अजब है तेरी पाक धारण करके बाबूजी विराजमान है। गांधी जी कहते हैं आपको पूरी दुनिया, तो गांधी जो है वो उपाधि है, आजकल उपाधि है।
और आपको गांधी शायद इसलिए लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के सारे अनुसरणों पर आप चले होंगे, लोगों ने आपने उस रूप में देखा होगा, और ये भक्ति का इतना बड़ा सरोवर आपने किया है, आप आपके जीवन का ये बहुत बड़ा पुण्य का अर्थ हुआ है। ताली बजाओ एक बार सभी लोग। मैं आपके जवानी की याद दिलाता हूं, किशोर कुमार का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है जिसके सुर यही लगते हैं और मैं आपके लिए प्रस्तुत करूं, आपको शायद याद आ जाए। बात पुरानी है, एक कहानी है, बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले रुति आए रुति जाए देकर, रुति आए रुति जाए देकर, झूठा एक दिलासा फिर भी मेरा मन बोलेना 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 बोले